हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिस्केट बीम के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहां पर प्रोपेगेट कॉर्नर कमांड के बारे में, जो कि हमारी यहां पर होती है। तो इस कमांड का यूज़ दोस्तों हम स्पेशल केसेस में करते हैं। तो इस कमांड का यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए ये ड्राइंग अगर डाउनलोड करना चाह रहे हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं प्रोपेगेट कॉर्नर कमांड। तो इस कमांड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सेक्शन कमांड लेता हूँ। सेक्शन कमांड लेने के बाद मैं यहाँ पर ये फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फेस सेलेक्ट करने के बाद कर्सर को मूव करता हूँ अंदर की तरफ। तो सेक्शन डिफाइन करते ही दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारी वॉल की कंपोजिशन है और ये हमारी फ्लोर की कंपोजिशन है। तो अभी सबसे पहले स्टेप में मैं यहाँ पर ये जो हमारी इनर वॉल है, इनकी जो कंपोजिशन है, इसकी लेयर को मैं यहाँ पर जो फ्लोर की कंपोजिशन लेयर है इसके साथ मर्ज कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कर्सर को लेके जाऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ पर टैब की दबाऊंगा। तो टैब की दबाने के बाद आप यहाँ पर देख रहोगे जो हमारी ये इनर वॉल है, इसका जो बेस है ये हाईलाइट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अब ये हाईलाइट होने के बाद पुश पुल कमांड लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ यहाँ तक एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे जो हमारी इनर वॉल है ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो गई है और यहाँ पर जो हमारी कंपोजिशन क्लियर है इनमें मर्ज हो गई है। तो अब ये हमने जो स्टेप अप्लाई किया है ये अगर हमें सभी इनर वॉल के ऊपर अप्लाई करना है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे ये हमारी वॉल एज इट इज़ है, यहाँ पर ये हमारी फ्लोर कंपोजिशन के साथ मर्ज नहीं हुई है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोपेगेट प्लेनर कमांड लेंगे। तो प्रोपेगेट प्लेनर कमांड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर ये वॉल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये फ्लोर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा सेलेक्ट डिटेल, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करते ही हमें प्रीव्यू दिखाएगा कि हमें यहाँ पर ये जो वॉल का जॉइंट है ये हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो हमारा यहाँ पर जॉइंट था ये हमारा यहाँ पर भी अप्लाई हो गया है। और साथ में अगर हम यहाँ पर इस ड्राइंग को रोटेट करके दूसरी तरफ ये जो वॉल है इसके अंदर भी हम ये चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेक्शन व्यू दोबारा लेंगे और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ तक। तो ये हमारी जो इनर वॉल है ये फ्लोर के साथ मर्ज हो गई है। ओके, अब यहाँ पर ऐसे ही सेम टू सेम हम जो हमारी ये इनर वॉल है इसको आउटर वॉल के साथ भी मर्ज कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर कर्सर को लेके जाता हूँ, फिर यहाँ पर टैब की का यूज़ करेंगे। दोबारा टैब की दबाएंगे, दोबारा टैब की, दोबारा टैब की। तो यहाँ पर ये वॉल की एक साइड हाईलाइट हो रही है, तो मैं यहाँ पर पुश पुल कमांड ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एक्सट्रूड कर लेता हूँ जैसे यहाँ तक। तो यहाँ पर ये वॉल हमारी आउटर वॉल के साथ कनेक्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर हम प्रोपेगेट प्लेनर कमांड दोबारा लेते हैं। यहाँ पर ये वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और फिर दोबारा राइट क्लिक करेंगे और फिर दोबारा हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये जॉइंट कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वॉल हमारी यहाँ पर ज्वाइन होगी और यहाँ पर ये वॉल हमारी यहाँ ज्वाइन होगी। ओके, तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये जो हमारा फ्लोर है इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ये आउटर वॉल के साथ में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो कॉन्क्रीट लेयर है फ्लोर की ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस आउटर वॉल के साथ में। तो मैं यहाँ पर कर्सर को लेके जाऊँगा, फिर यहाँ पर टैब की का यूज़ करेंगे और जब यहाँ पर ये कॉन्क्रीट की लेयर हाईलाइट हो जाएगी तब हम यहाँ पर पुश पुल कमांड अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। और ये पुश पुल कमांड मैं ले लेता हूँ यहाँ तक। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे ये हमारी जो कॉन्क्रीट की लेयर थी ये हमारी यहाँ पर इस आउटर वॉल के साथ मर्ज हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर दोबारा प्रोपेगेट प्लेनर कमांड लेते हैं और यहाँ पर ये फ्लोर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये आउटर वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक दोबारा करेंगे और फिर यहाँ पर राइट क्लिक एक और बार कर लेते हैं। ये प्रीव्यू दिखाएगा कहाँ कहाँ अप्लाई करना है ये जॉइंट, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये सेक्शन प्रीव्यू ऑफ कर लेता हूँ। तो भी मैं यहाँ पर ड्राइंग को रोटेट कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो इनर वॉल और आउटर वॉल का जॉइंट है यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो इसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं इस एरर को, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस कंडीशन के लिए प्रोपेगेट कॉर्नर कमांड का यूज़ करेंगे। तो प्रोपेगेट कॉर्नर कमांड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो वॉल सेलेक्ट करेंगे जिस वॉल के अंदर यहाँ पर ये एरर शो नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर ये जो जॉइंट शो हो रहा है यहाँ पर इस कनेक्शन के अंदर ये जॉइंट शो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर ये वॉल सेलेक्ट करेंगे।
तो हम यहाँ पर प्रोपेगेट कॉर्नर कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये पूरा फ्लोर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये आउटर वॉल सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, दोबारा राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखाएगा। अब यहाँ पर दोबारा राइट क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर रोटेट करोगे ड्राइंग को दोबारा, तो आप देख सकते हो जहाँ पर ये हमें पैच नज़र आ रहा था वॉल का, वो अब यहाँ से रिमूव हो गया है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर प्रोपेगेट कॉर्नर कमांड का यूज़ करते हैं इन स्पेशल केसेस के लिए। और साथ में दोस्तों अगर आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए कैड सॉफ्टवेयर परचेज़ करना चाह रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रिस्कैड सॉफ्टवेयर को परचेज़ कीजिए। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि एक तो ब्रिस्कैड सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो दूसरे कैड सॉफ्टवेयर के कंपेयर में हाफ है, और उसके अलावा जो ब्रिस्कैड का यूज़र इंटरफेस है वो दूसरे कैड सॉफ्टवेयर की तरह ही सिमिलर है। अगर आप दूसरे कैड सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो आप ब्रिस्कैड के अंदर भी इजीली वर्क कर सकते हो, और उसके अलावा ब्रिस्कैड सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी एडवांस टूल है जिनकी मदद से आप कोई भी ड्राइंग इजीली ड्रा कर सकते हो और कम टाइम के अंदर उस ड्राइंग को कम्प्लीट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो आप डायरेक्ट मिस्टर राकेश राव जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि इंडिया में नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर हैं ब्रिस्कैड सॉफ्टवेयर के। उनकी कॉन्टैक्ट की डिटेल मैंने स्क्रीन के ऊपर शो कर दी है, और उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी है इस सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच, डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा बाय।